आपकी सिलेबस का 11वां टॉपिक तारीख मजमून का 12वीं जमात का नया टॉपिक 11वां नंबर टॉपिक बदलता हिंदुस्तान हिस्सा अव्वल। इसके दो हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुम। आज हम बदलता हिंदुस्तान हिस्सा अव्वल इस टॉपिक के जरिए बहुत सारे नुकात का मुताला करेंगे, उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम 1990 के बाद हिंदुस्तान की जो तारीख या जो तरक्की हुई है सियासी एतबार से, माशी एतबार से, हर लिहाज से, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। 1990 के बाद वहां से लेकर 2010 तक या उसके आगे तक जो भी हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक का पहला पॉइंट है आलमगीरियत। आलमगीरियत कहते हैं हर मुल्क के लोगों को, वहां के कंपनियों को, वहां के सियासी माशी तहजीबी मामले को एक दूसरे के लिए खुला कर देना, इसको कहते हैं आलमगीरियत। हर मुल्क के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले कर देना, चाहे वो माशी तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, किसी भी लिहाज से हो, उसे कहते हैं आलमगीरियत। दुनिया में जितने ममालिक हैं, जितने भी हैं जो उसमें शामिल हैं, वो तमाम ममालिक अपने दरवाजे, अपने मुल्क की राह जो है सबके लिए खुले कर दे, तिजारत के लिए हो, खेल के लिए हो, सियासत के लिए हो, पॉलिटिक्स या तुम्हारे तहजीबी मामला हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, हर एक के लिए दरवाजे खुले करना, उसे कहते हैं आलमगीरियत। हिंदुस्तान ने 1990 के बाद आलमगीरियत को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। अब ये आलमगीरियत की इब्तिदा होती कब है, देखो आलमगीरियत आपको मालूम होना चाहिए, हर मुल्क अपने दरवाजे, अपना मुल्क जो है हर एक के लिए खुला कर दे, ख्यालात का लेन देन हो, माशी लेन देन हो, तिजारती सनत वर्फत, नकल व अमल, सब जरा एक दूसरे के लिए खुला कर देना, किसी किस्म की कोई बंदिश, कोई पाबंदी ना होना, उसे कहते हैं आलमगीरियत। मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल नंबर है, आप यहां से फोन लगाते हैं सऊदी अरब को, वो भी इसमें शामिल है, तो जब आप फोन लगाते हैं तो ये फोन आलमगीरियत में शुमार होता है, यानी आप यहां रहकर वहां के लोगों से बात कर रहे हैं। अगर हमारा मुल्क आलमगीरियत में नहीं रहता और उसको नहीं मानता तो हमारा फोन वहां नहीं लगता, उनका फोन हमको नहीं लगता। क्योंकि आलमगीरियत की इब्तिदा हो चुकी थी, हिंदुस्तान भी शामिल था, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए यहां के फोन कॉल जो है दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रहे कॉल बराबर जाती है। ये आलमगीरियत की डेफिनेशन जो आपको याद रखना। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, दूसरी आलमी जंग खत्म हुई 1945 के बाद और दुनिया के तमाम मालिक में एक दूसरे के ताल्लुक से डर था, खौफ था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हिफाजती टैक्स आयात कर दिया, हिफाजती टैक्स की पॉलिसी को तमाम मुल्कों ने अपनाया, यानी अपने मुल्क की सरहदों को उन्होंने हर लिहाज से बंद कर दिया, बाहर की कंपनी उनके मालिक में नहीं आती थी, ना इनकी कंपनी बाहर जा सकती थी, सब ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे। इससे माशी तरक्की रुक गई थी, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा था, कई ममालिक इससे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हिफाजती टैक्स की पॉलिसी अपनाने से कोई दूसरे मुल्क की कंपनी या फैक्ट्री यहां या वहां की तिजारत इस मुल्क में नहीं हो सकती थी, ना इनकी तिजारत उनके साथ हो सकती थी, सब ने अपने दिमाग अपने घर बंद कर रखे थे। इस वजह से तिजारत में, सनत वर्फत में और माशी निजाम में बहुत नुकसान हो रहा था।
जिसका असर बढ़ती हुई बेरोजगारी था। कई मुमालिक इससे परेशान थे, इसीलिए इन मसाइल को हल करने के लिए 1947 में 30 अक्टूबर 1947 को आलमी सतह पर क्यूबा में 56 मुमालिक की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इन मसाइल पर गौर फिक्र हुआ था कि सब मुल्कों की तिजारत ठप पड़ गई है, सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आने से रोक रहे हैं अपने मुल्कों में, तिजारत कहां से होगी। इसीलिए क्यूबा में मीटिंग में 56 मुमालिक की, उन मीटिंग में तय किया गया कि एक ऐसा आलमी इदारा हो जो दुनिया में तिजारत को सही या खुला कर दे, जो मुमालिक में शामिल होंगे उन मुमालिक में वो तिजारत को खुला करना। उस मकसद के लिए 30 अक्टूबर सन 1947 को जेनेवा, एक शहर का नाम है जेनेवा, यूरोप में नाम है, ये मुल्क आता है, ये शहर आता है, जेनेवा में 56 मुमालिक की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में गेट करारनामा पास हुआ, गेट करारनामा, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, गेट मुहैदा पास हुआ, जिसका फुल फॉर्म गेट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट करारनामा आलमी सतह पर पहला मुहैदा जिस पर 56 मालिक ने दस्तखत की। मकसद क्या था, पैदावार में इजाफा करना, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज यानी दूसरे मुल्कों की करेंसी को अपने मुल्क में लाना, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं उसको, वो उसकी तादाद में इजाफा करना। इसके अलावा तिजारत के, सनद मरफत के और नकल व अमल के जराए को इन ममालिक में आसान करना, ये गेट करार नामे में उनका मसौदा था। ये 56 मुल्कों को ये कहा गया था जो इसमें शामिल होंगे वो अपनी पैदावार की तरक्की पर फॉरेन एक्सचेंज के जरिए और तिजारत के जरिए अपने मुल्कों की तरक्की करवाएं। मतलब उन 56 ममालिक के दरवाजे उन 56 ममालिक के लिए खोल दिए गए, यानी जितने ममालिक शामिल हैं हर मुल्क उस मुहैदे में शामिल तमाम मुल्कों को अपने मुल्क में आने की इजाजत देगा, उसके लिए कोई बंदिश नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। 56 मालिक सब एक दूसरे में आ जा सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, पैदावार को यहां से ले जाकर वहां बेच सकते हैं, वहां कराकर यहां बेच सकते हैं। गेट करारनामे में तय किया गया जो 30 अक्टूबर सन 1947 को हुआ, उसी में हर साल जेनेवा में ही उनका हेड ऑफिस था, इसका गेट जो ट्रेटी है, गेट मुहैदा करारनामा है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो करारनामा है, ये मुहैदा है, ये मुहैदा उसका हेड ऑफिस कहां था, गेट का हेड ऑफिस था जेनेवा में। हर साल मीटिंग होती थी, उसी मीटिंग के दौरान ये तय किया गया कि एक ऐसी आलमी तंजीम हो जो दुनिया की आलमी तिजारत को कंट्रोल कर सके, तो उसी के तहत 1 जनवरी सन 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस तंजीम की बुनियाद रखी गई, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आलमी तिजारती तंजीम की बुनियाद रखी गई। मकसद, इसका मकसद था जितने ममालिक इसमें शामिल रहेंगे वो तमाम मुल्कों को किसी भी मुल्क में तिजारत करने के लिए किसी किस्म का कोई टैक्स देना जरूरी नहीं होगा,
पहले क्या होता था, तिजारत करना था टैक्स देना पड़ता था उस गवर्नमेंट को, तो यहां ऐसा नहीं है। जो कोई WTO में शामिल होगा, इस तंजीम में शामिल होगा, उस तंजीम के तमाम अराकीन ममालिक में उसे बगैर बंदिश, बगैर पाबंदी और बगैर टैक्स दिए उस मुल्क में तिजारत करने की इजाजत दी जाएगी। ठीक है, हिंदुस्तान 1990 के बाद गेट मुआहदे में और या हिंदुस्तान ने लिबरलाइजेशन माशी कुशादगी की पॉलिसी को अपनाया 1990 के बाद, आलमगीरियत को हिंदुस्तान ने अपनाया। आलमगीरियत आप जानते हैं, मिसाल ऐसी है आलमगीरियत से पहले इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखी हैं, किसी के लिए ना हवा अंदर आ रही है, ना रोशनी अंदर आ रही है, ना बाहर वाला अंदर जा रहा है, ना अंदर बाहर जा रहा है, आपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, तो क्या होगा, आपके सेहत पर फर्क पड़ेगा, दम घुटने लगेगा। वैसे ही है, दुनिया का भी दम घुट रहा था दूसरे आलमी जंग के बाद, तो इसीलिए हर मुल्क ने अपने खिड़की दरवाजे खोल दिए, उसी कहते हैं गेट मुआहदा, उसी कहते हैं WTO, उसी कहते हैं आलमगीरियत। इस वजह से क्या हुआ, दूसरे ममालिक शामिल हुए, आना जाना शुरू हुआ, माशी तरक्की शुरू हुई, बढ़ती हुई बेरोजगारी का मसला कुछ हद तक हल हुआ, ये आलमगीरियत के फायदे। अब हिंदुस्तान कब शामिल हुआ, 1990 के बाद, किसके दौर में, कांग्रेस के जमाने में। उस वक्त कांग्रेस के वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव और उस वक्त के वजीर मालियात फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने हिंदुस्तान के दरवाजे, हिंदुस्तान की सरहद तमाम मुल्कों के लिए खुला कर दिया। आज तक का सबसे बेहतरीन बजट 1991 और 92 में पेश किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए। अभी तक का सबसे बेस्ट बजट जो अभी दो दिन पहले हुआ था, वो बजट आज तक का सबसे बेहतरीन बजट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया, जो पहले कांग्रेस के वजीर आजम रह चुके हैं इसके पहले, उन्होंने पेश किया है, और उन्होंने ही हिंदुस्तान को आलमगीरियत में डाला और हिंदुस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए, और हिंदुस्तान ने भी जो है WTO की रुकनियत अख्तियार की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रुकनियत हिंदुस्तान ने कबूल कर ली फौरन। हिंदुस्तान की माशी तरक्की शुरू हुई, क्योंकि हिंदुस्तान में कई फॉरेन कंपनियां आना शुरू हुए, वो कंपनियां आने के बाद यहां के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े फैक्ट्रीज कायम होने से लोगों को काम मिला, रोजगार मिला। इसके अलावा हिंदुस्तान की कंपनियां बाहर जाने लगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान आने लगा। हिंदुस्तान की माशी हालत 1990 के बाद बड़ी तेजी से डेवलप होना शुरू हो गई। पीवी नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पॉलिसी को शुरू किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उस पॉलिसी को अपनाया, कंटिन्यू किया उसी को। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू रखा, आज भी ये पॉलिसी चल रही है। यानी हिंदुस्तान WTO का मेंबर है और उसकी तिजारत तमाम मुल्कों के लिए खुली है, किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। फॉरेन कंपनी हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां, कारखाने लगा सकते हैं, कोई बंदिश पाबंदी नहीं है। हिंदुस्तानी कंपनियां दूसरे मुल्क के जाकर वहां कंपनियां, फैक्ट्रियां खोल सकती हैं, वहां कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि इन तमाम मुल्कों को कंट्रोल करता है कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो कोई इस मुआहदे में शामिल होगा उसके शराइत मानना सबके लिए लाजमी होगा।
शर्त क्या है? तिजारत सबके लिए खुली कर दी जाए। जो भी एग्रीमेंट पर साइन करेगा सबके लिए तिजारत आम कर दी जाएगी, खुली कर दी जाएगी। ठीक है, याद रहेगा यहां तक।